प्यारे बच्चों, मैं अहमद तंजीम, MSI इंटर कॉलेज गोरखपुर से आज आपके समक्ष कक्षा 11 विषय जीव विज्ञान का अध्याय 17 जो कि श्वसन और गैसों का विनिमय है का भाग 1 प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बच्चों, पठन पाठन की आसानी के लिए हमने अपने इस अध्याय को 2 भागों में बांट लिया है, भाग 1 और भाग 2। आज का जो हमारा वीडियो है ये भाग 1 है, जिसमें आज हम सबसे पहले श्वसन के बारे में जानेंगे कि श्वसन क्या होता है। इसका एक आइडिया लिया जाएगा कि व्हाट इज़ रेस्पिरेशन या श्वसन क्या होता है। इसके बाद हम श्वसन के प्रकार देखेंगे कि श्वसन कितने प्रकार का होता है और पाएंगे कि श्वसन 2 प्रकार का है, ऑक्सी श्वसन, अनऑक्सी श्वसन, और उसकी डिटेल देखा जाएगा। इसके बाद हम जंतुओं के विभिन्न वर्गों में जो श्वसन के अंग हैं, यानी एक कोशिकीय जीवों से लेकर मनुष्य तक जो अलग अलग वर्गों में जो श्वसन के अंग हैं, जो श्वसन में सहायता करते हैं, उस पर एक नज़र डाला जाएगा, उसका एक आइडिया लिया जाएगा। और इसके बाद हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मुख्य टॉपिक मानव में श्वसन अंग, इसको देखा जाएगा। इस टॉपिक में हम मानव में पाए जाने वाले विभिन्न अंगों को देखेंगे जो श्वसन में सहायता करते हैं, जो श्वसन तंत्र का भाग है। और उसमें सबसे मुख्य फेफड़े होंगे, क्योंकि हमारे फेफड़े एक बंद गुहा में रहते हैं और उस गुहा को वक्ष गुहा कहा जाता है। तो भाग 1 में ही हम वक्ष गुहा यानी थोरैसिक कैविटी का भी एक आइडिया लेंगे। और इसके बाद हम श्वसन के विभिन्न चरण देखेंगे कि श्वसन के कौन कौन से चरण होते हैं। और जब भाग 2 में आएंगे तो भाग 2 में श्वसन यानी ब्रीदिंग और उसकी प्रक्रिया को देखा जाएगा, जो भी उसकी क्रियाविधि है उसकी डिटेल देखा जाएगा। और साथ में श्वसन से संबंधित कुछ आयतन हैं, इन आयतनों को देखा जाएगा। और गैसों का विनिमय एवं परिवहन यानी फेफड़ों में या कोशिकाओं में जो गैसों का विनिमय हो रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, और साथ ही जो इन दोनों गैसों का जो परिवहन हो रहा है उसका एक आइडिया लिया जाएगा। और भाग 2 में ही हम श्वसन का नियमन भी देखेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, कि मनुष्य में श्वसन किस प्रकार कंट्रोल होता है। और अंत में भाग 2 का जब अंत आएगा तो उसमें हम श्वसन के विकार यानी डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेशन, इस पे एक नज़र डालेंगे। तो बच्चों, आइए आज अपना ये भाग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्वसन, देखा जाए श्वसन किसे कहते हैं। बच्चों, शरीर की जो भी कोशिकाएं या जो भी जीवित कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा उनको अपने विभिन्न कार्यों के संचालन के लिए चाहिए। तो ये ऊर्जा कैसे प्राप्त करेंगे? ये खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करेंगे, यानी शरीर की कोशिकाओं को अपने कार्य संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। और ये ऊर्जा उनको कहाँ से मिलेगी? जो खाद्य पदार्थ है, जब उनका ऑक्सीकरण होगा तो उससे ये ऊर्जा प्राप्त करेंगे। अब इस ऑक्सीकरण के लिए अधिकतर जीवों में ऑक्सीजन का उपयोग होता है, यानी ऑक्सीजन उपयोग में लाई जाएगी और इस ऑक्सीजन से इन खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होगा और उससे ऊर्जा निकलेगी। और इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ये अपशिष्ट उत्पाद के रूप में उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार जीवित रहने के लिए, अगर कोशिका को जीवित रहना है तो उसके लिए उसको ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा के लिए उसको भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करना होगा, जिसके लिए ऑक्सीजन यानी O2 का शरीर में प्रवेश करना अति आवश्यक है। और जब ऑक्सीजन शरीर में प्रवेश करेगी, कोशिकाओं में जाएगी, वहाँ पे भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कराएगी, तो इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होगी। और साथ ही इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड अपशिष्ट के रूप में निकलेगी, तो इस अपशिष्ट का शरीर से निष्कासन भी अति आवश्यक है। तो श्वसन वह प्रक्रिया है जिससे
वायुमंडलीय ऑक्सीजन ये कोशिकाओं तक पहुंचेगी, कोशिकाओं तक पहुंचकर खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होगा और इस ऑक्सीकरण में ऊर्जा उत्पन्न होगी और साथ में जो अपशिष्ट कार्बन डाइऑक्साइड है ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगी और इस ये शरीर से निष्कासित होगी। यानी श्वसन उन भौतिक रासायनिक क्रियाओं को सम्मिलित रूप से प्रदर्शित करता है जिसके अंतर्गत वायुमंडलीय ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचती है और भोजन के संपर्क में आकर उसके ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है तथा उत्पन्न हुई कार्बन डाइऑक्साइड यानी अपशिष्ट उत्पन्न हुई कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालती है। तो ऐसी जितनी भी भौतिक रासायनिक प्रक्रियाएं हैं जो भोजन के ऑक्सीकरण में मदद कर रही है और ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति कर रही है उनको श्वसन कहा जाएगा। बच्चों ये श्वसन दो प्रकार का होता है, तो आइए बात करते हैं श्वसन के प्रकार। अगर श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है तो इस श्वसन को ऑक्सीश्वसन या वायुजीवी श्वसन कहा जाता है। ऑक्सीश्वसन ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है और अगर श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा तो उसे अनऑक्सीश्वसन कहा जाएगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीश्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन की। ऑक्सीश्वसन यह केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है, यानी इसके लिए ऑक्सीजन का होना अनिवार्य है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होगा। इस प्रक्रिया में यानी ऑक्सीश्वसन में ग्लूकोज पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत होगा, यानी ग्लूकोज का जो अणु है वो ऑक्सीजन से मिलकर के पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत होगा और अंत में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल मुक्त होंगे। यहाँ पे ये इक्वेशन दिखाया गया है जिसमें ग्लूकोज भोज्य पदार्थ ऊर्जा का स्रोत ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये ऑक्सीकृत होता है और स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीकृत होने के बाद अंत में ये ग्लूकोज पूर्ण रूप से टूट जाता है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड अपशिष्ट के रूप में मिलती है, साथ ही जल बनता है और इस प्रक्रिया में ऊर्जा भी प्राप्त होती है और इस ऊर्जा की सहायता से कोशिकाएं अपने विभिन्न कार्यों का संचालन करती हैं। तो इस प्रक्रिया में यानी ऑक्सीश्वसन में ग्लूकोज के एक अणु से 686 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती, साथ ही 38 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। यानी इस प्रक्रिया में एक ग्लूकोज का अणु टूटेगा और उसके टूटने पे 686 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होगी और साथ ही 38 एटीपी अणुओं का निर्माण होगा। और ये ऑक्सीश्वसन ये अधिकतर जंतुओं एवं पादपों के कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। दूसरा जो प्रकार है अनऑक्सीश्वसन, ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, इसको अनऑक्सीश्वसन कहा जाता है यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन। अनऑक्सीश्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यानी इसमें ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं है या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा और जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा तो ऐसे में जो भोज्य पदार्थ है जो ऊर्जा का स्रोत है या ग्लूकोज है ये ग्लूकोज पूर्ण रूप से नहीं टूटेगा और पूर्ण रूप से ना टूटने की वजह से इससे बहुत ही कम ऊर्जा प्राप्त होगी। तो इसमें ग्लूकोज आंशिक रूप से ऑक्सीकृत होता है और जब आंशिक रूप से ऑक्सीकृत होगा तो इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तथा एथिल अल्कोहल बनेगा या लैक्टिक अम्ल मुक्त होगा। अधिकतर पादपीय कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है और जंतु कोशिकाओं ऐसी कोशिकाओं जिसके अंदर अनऑक्सीश्वसन हो जाए तो उनके अंदर लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। और चूंकि इस प्रक्रिया में ग्लूकोज पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत नहीं हो रहा है तो इस प्रक्रिया में जो एक ग्लूकोज की एक अणु से जो ऊर्जा मिलेगी वो ऑक्सीश्वसन के मुकाबले काफ़ी कम होगी। यहाँ पर ग्लूकोज के एक अणु से 34 किलो कैलोरी ऊर्जा ही प्राप्त हो रही
और इस प्रक्रिया में केवल दो एटीपी अणुओं का ही निर्माण होता है। बच्चों यहाँ पर अनॉक्सी श्वसन की प्रक्रिया इक्वेशन के रूप में दिखाई गई है, जिसमें यीस्ट इसमें ग्लूकोज का एक अणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूट रहा है, और ये पूर्ण रूप से नहीं टूट रहा है, आंशिक रूप से ऑक्सीकृत हो रहा है, जिसके कारण एथिल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही, और साथ में कुछ ऊर्जा 34 किलो कैलोरी तथा 2 ATP ऊर्जा प्राप्त हो रही। जबकि आंतरी परजीवी, ऐसे परजीवी जो हमारे आंत में पाए जाते हैं, या ऐसी कोई भी कोशिकाएं जो जंतुओं में पाई जाती हैं, उनके अंदर अगर अनॉक्सी श्वसन होता है तो इसमें ग्लूकोज का एक अणु आंशिक रूप से ऑक्सीकृत होगा, और इस प्रक्रिया में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा तथा कम ऊर्जा प्राप्त होती है। बच्चों यहाँ पर एक जानकारी और होनी चाहिए कि हमको थकान क्यों लगती है। बच्चों जब कभी हम बहुत अधिक कार्य करते हैं, तो अधिक कार्य करने की वजह से जो हमारी पेशियों की कोशिकाएं हैं या ऊतक हैं, उनको पूर्ण रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, और जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो ऐसे में वे ऊतक या वे कोशिकाएं अनॉक्सी श्वसन करने लगते हैं, और जब वे अनॉक्सी श्वसन करेंगे तो ऐसे में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होने लगता है, और जब हमारे पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा तो हमको थकान महसूस होती है। तो ऑक्सी श्वसन वह श्वसन है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, और अनॉक्सी श्वसन वह श्वसन है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है। बच्चों इसके बाद आइए बात करते हैं जंतुओं के विभिन्न वर्गों में श्वसन अंगों की। प्राणियों के विभिन्न वर्गों के बीच श्वसन की क्रियाविधि उनके जो निवास स्थान है जहाँ वो रह रहे हैं तथा उनके संगठन उनके ऊपर निर्भर करती है, और उसी के अनुसार बदलती रहती है। उदाहरण के लिए अगर हम जलीय जंतुओं में श्वसन अंगों की बात करें, तो जलीय जंतु जिसमें एक कोशिकीय जंतु भी आते हैं, बहुत सारे जंतु हैं, तो एक कोशिकीय जंतुओं में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इनका जो आदान प्रदान हो रहा, इसके लिए कोई विशेष अंग मौजूद नहीं, बल्कि ऑक्सीजन कोशिका कला में से विसरण के द्वारा कोशिका द्रव में पहुंचेगी, और वहां जाके भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कराएगी, ऊर्जा मुक्त होगी, तथा कार्बन डाइऑक्साइड ये भी विसरण के द्वारा ही बाहर निकलती है। यानी एक कोशिकीय जंतुओं में कोई श्वसन के लिए कोई अंग नहीं है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान है वो विसरण के द्वारा कोशिका कला से ही हो जा रहा है। जबकि अगर हम स्पंज तथा सीलेंट्रेट्स में देखें, तो स्पंज और सीलेंट्रेट ये भी जलीय जंतु हैं, इनमें गैसीय विनिमय इनके शरीर की सतह से हो रहा है, और ये भी विसरण के ही द्वारा हो रहा है, यानी इनमें भी कोई विशेष अंग नहीं है। अगर क्रस्टेशियन आर्थ्रोपोड्स या जलीय मोलस्क, या अधिकतर जलीय होते हैं, तो जलीय मोलस्क मछलियों तथा एम्फीबियन टेडपोल इनमें श्वसन के लिए गिल्स होते हैं, गिल्स पाए जाते हैं, और इन गिल्स में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता। अगर स्थलीय जंतुओं की बात की जाए, स्थलीय जंतुओं, तो इनको देखा जाए तो कीटों में श्वसन ट्रैकिया या श्वसन नलिकाओं द्वारा होता है, और वायु इन श्वसन नलिकाओं से होकर ऊतक के संपर्क में आती है, और ऊतक के संपर्क में पहुंचकर गैसों का विनिमय हो जाता है, गैसों का यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो जाता है। बिच्छू में श्वसन के लिए बुक लंग होते हैं, बिच्छू में बुक लंग से श्वसन हो रहा है, तथा सर्प, छिपकली, कछुआ तथा पक्षियों एवं स्तनधारियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं। अब चाहे स्तनधारी जलीय हो चाहे स्थलीय हो, मगर इनमें फेफड़े मुख्य श्वसन अंग होते हैं। तो
तो बच्चों आइए सबसे पहले अब हम बात करते हैं मानव के श्वसन अंगों की। देखा जाए मानव में यानी हमारे पास कौन कौन से अंग हैं जो श्वसन अंग हैं, और हमारा जो मुख्य श्वसन अंग है वो फेफड़ा है। फेफड़े ये हमारे मुख्य श्वसन अंग हैं, और बाहरी वायु तथा फेफड़ों के बीच वायु के आवागमन हेतु जो अंग हैं वे अंग निम्न हैं। कौन कौन से? नासिका, नोज, ग्रसनी, कंठ, लैरिंग्स। लैरिंग्स ये साउंड बॉक्स, इसका काम ध्वनि के लिए, ये ध्वनि निकालने के काम आता है। ट्रैकिया, श्वास नली, श्वसनिया यानी ब्रोंकाई, और श्वसनिकाएं, ब्रोंकियोल्स। ये वो अंग हैं जो फेफड़ों में वायु ले जाने वाले मार्ग कहलाते हैं, यानी एयर पैसेज। इनसे वायु होते हुए फेफड़ों तक पहुंचती है। फेफड़ों के अंदर कूपिका यानी एल्वियोलाई, कूपिका वाहिनियां तथा कूपिकाएं, और इन्हीं कूपिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। एल्वियोलाई से ऑक्सीजन रक्त में जाती है, और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में आती है। तो कूपिका वाहिनियां ये फेफड़ों के अंदर श्वसन अंग है। बच्चों आइए इन अंगों को नामांकित चित्र की सहायता से समझा जाए। मानव में जो श्वसन अंग है, सबसे पहला जो अंग है वो है नासिका यानी नोज। नासिका, इससे वायु शरीर में प्रवेश करती है, और नासिका में जो दो छिद्र हैं इसे नासा छिद्र या नोस्ट्रिल कहा जाता है। नासा छिद्र ये इससे ये एक जोड़ी हैं, और ये होठों के ऊपर पाए जाते हैं, स्थित होते हैं, नीचे की तरफ दबे होते हैं। तो नासा छिद्र ये इनसे नासा मार्ग, एक जोड़ी नासा मार्ग नासा कक्ष में खुलते हैं, नेजल चैम्बर। तो जब हवा नासा छिद्र से होते हुए नासा मार्ग से होते हुए नासा कक्ष तक पहुंचती है, तो इस बीच में जो इनकी श्लेष्मा है यानी नासिका की जो मेम्ब्रेन है वो म्यूकस की बनी है, तो उससे म्यूकस बनेगा, और साथ ही यहाँ पे बाल भी पाए जाते हैं और सीलिया भी पाए जाते हैं। तो हवा में जो भी गंदगी या जो भी कीटाणु होंगे वो यहाँ छन जाएंगे, इसलिए हमारी नासिका ये फिल्टर का कार्य करती है। नासिका ये आगे ग्रसनी में खुलती है। ग्रसनी एक कॉमन पाथ है, खाने का और हवा का कॉमन पाथ है। ग्रसनी से दो नलियां हैं, एक भोज्य पदार्थ के लिए और एक वायु के लिए। वायु की नली को श्वास नली या ट्रैकिया कहा जाता है। बच्चों श्वास नली या ट्रैकिया और भोज्य पदार्थों के लिए ओइसोफेगस या फूड पाइप, तो भोजन श्वास नली में ना पहुँचे इसके लिए कंठ छद यानी एपिग्लॉटिस होता है, जो एक ढक्कन के समान है। एक ढक्कन के समान जब भोज्य पदार्थ ग्रसनी में या फेरिंग्स में पहुँचता है तो एपिग्लॉटिस ये श्वास नली को बंद कर देता है, जिससे भोज्य पदार्थ श्वास नली में नहीं जा पाता, और वो भोज्य पदार्थ ओइसोफेगस यानी फूड पाइप में पहुँचता है। श्वास नली इसमें एक कंठ या लैरिंग्स पाया जाता है। लैरिंग्स का कार्य ध्वनि निकालने का है, यानी लैरिंग्स कंठ ये जो है साउंड बॉक्स भी इसको कहा जाता है, ध्वनि यंत्र कहा जाता है। श्वास नली पांचवें थोरेसिक वर्टिब्रा तक जाकर वहाँ ये श्वास नली दो भाग में टूटेगी, एक दाएं फेफड़े में जाएगी और एक बाएं फेफड़े में जाएगी, दाएं और बाएं फेफड़े में। बच्चों ये जो हमारे फेफड़े हैं ये एक गुहा के अंदर बंद है, और उस गुहा को थोरेसिक कैविटी कहा जाता है। इसमें आगे की तरफ स्टर्नम, पीछे वर्टिब्रल कॉलम, और साइड से रिब्स, और नीचे डायाफ्राम पाया जाता है, जिसको अभी इसी वीडियो में हम आगे देखेंगे। और प्रत्येक फेफड़े, दोनों फेफड़े, इनके ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, एक परत पाई जाती है, जो द्वितीयक परत है उसको प्ल्यूरा कहा जाता है। फुफ्फुसी झिल्ली प्ल्यूरा, ये एक द्वितीयक झिल्ली है, जिसमें बाहर वाली प्ल्यूरा को पैराइटल प्ल्यूरा और अंदर वाली प्ल्यूरा को विसरल प्ल्यूरा कहा जाता है, और इन दोनों प्ल्यूरा के बीच में जो द्रव भरा है उसको प्ल्यूरल फ्लूइड या फुफ्फुस द्रव कहा जाता है।
बच्चों, जब श्वास नली ये पांचवें थोरैसिक वर्टिब्रा तक पहुंचती है तो वहाँ पर ये दो भाग में टूटती है और दोनों नलियाँ जिनको ब्रोंकाई कहा जाता है वे अपने अपने फेफड़ों में जाती हैं। श्वासनी ब्रोंकस, प्रत्येक ब्रोंकस, दाहिना वाला ब्रोंकस दाएं फेफड़े में, बायां ब्रोंकस बाएं फेफड़े में जाएगा। फेफड़े के अंदर जाकर ये श्वसनी या ब्रोंकस टूटना शुरू होती हैं, शाखित होना शुरू होती हैं, जिस प्रकार पेड़ शाखित होते हैं, और ये शाखित होती हैं, शाखित होकर ये पहले प्राथमिक, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक, और फिर और टूटती जाती हैं, और अंत में ये बहुत ही पतली श्वसनिकाएँ यानी ब्रोंकियोल्स बनाती हैं। और प्रत्येक ब्रोंकियोल यानी श्वसनिकाएँ ये अंत में कूपिका यानी एल्वियोलाई, कूपिका में जा कर के अंत होती हैं, और इन्हीं कूपिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता। तो बच्चों, ये जो हमारा श्वसन तंत्र है, इस श्वसन तंत्र में दो भाग है, एक मुख्य अंग कूपिका जिसमें गैसों का विनिमय हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, और बाकी वो मार्ग है जिससे ऑक्सीजन या हवा इन कूपिकाओं तक पहुंच रही है। बच्चों, ये ट्रैकिया, ट्रैकिया तथा ये ब्रोंकस श्वसनी तथा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या जो भी ये, यहाँ पे आपको एक वलय रिंग दिखाई दे रही होगी, ये इनको ट्रैकियल रिंग्स कहा जाता है। ये अपूर्ण उपस्थि में वलय कहलाते हैं। ये सी के आकार की एक रिंग है, आप अपने गर्दन को छूकर भी इसको महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो ये रिंग, ये ट्रैकिया में, साथ ही श्वसनी में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक श्वसनी तथा श्वसनिकाएँ ब्रोंकियोल्स, इन सब में हो पाई जाती हैं, और ये रिंग इनको पिचकने से बचाती है। बच्चों, ये जो हमारा फेफड़ा है, ये फेफड़ा वक्ष गुहा में पाया जाता है, यानी थोरैसिक कैविटी में पाया जाता है। यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं वक्ष गुहा। वक्ष गुहा ये आगे उरोस्थी यानी स्टर्नम, पीछे वर्टिब्रल कॉलम कशेरुक दंड, और साइड से रिब्स, ये एक गुहा बन रही है, और इस गुहा के अंदर फेफड़े पाए जाते हैं, और ये एक वायुरोधी कक्ष है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, और ये वक्ष गुहा एक वायुरोधी कक्ष है, क्योंकि इसका वायुरोधी होना ही फेफड़ों में हवा को पहुंचाता है, जो हम अभी आगे देखेंगे। वक्ष गुहा कक्ष पृष्ठभाग में कशेरुक दंड, आप देख सकते हैं पृष्ठभाग में कशेरुक दंड, अधर भाग में उरोस्थि, तो जो अधर भाग है इसमें उरोस्थि या स्टर्नम, पार्श्व में पसलियां रिब्स, तो पार्श्व में साइड में पसलियां दोनों तरफ रिब्स, और नीचे डायाफ्राम, नीचे पेशी का बना एक डायाफ्राम, इसके द्वारा ये कक्ष बनता है, और इस कक्ष को वक्ष गुहा कहा जाता है। वक्ष में फेफड़ों की व्यवस्था ऐसी होती है कि वक्ष गुहा के आयतन में यदि कोई भी परिवर्तन हो, किसी भी प्रकार का इस वक्ष गुहा के आयतन में अगर परिवर्तन होगा, तो यह परिवर्तन फेफड़े की गुहा में भी प्रतिबिंबित हो जाएगा। इसी वजह से हवा फेफड़ों तक पहुँचती है, जो आगे हम श्वसन की क्रिया में देखेंगे। बच्चों, जो हमारा श्वसन है, तो श्वसन की जो प्रक्रिया है, इसमें अलग अलग चरण हैं, और इस चरण को समझने से पहले एक बार फिर से याद किया जाए कि श्वसन वह समस्त भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय ऑक्सीजन ये अलग अलग मार्गों से श्वसन तंत्र से होते हुए ये जो है कोशिकाओं तक पहुंच रही हैं, कोशिकाओं कोशिका द्रव में जाकर वहां भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, और उससे ऊर्जा मुक्त हो रही है, साथ ही उससे कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है अपशिष्ट के रूप में, और वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस श्वसन अंगों के द्वारा बाहर निकाली जा रही है। तो इस पूरी प्रक्रिया के लिए जो चरण है, आइए उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले श्वसन या ब्रीदिंग, यानी वायुमंडलीय वायु का, हवा का वायुमंडल से कूपिका यानी फेफड़ों तक पहुंचना। तो वायुमंडलीय वायु को शरीर के अंदर खींचा जाना
और कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर कूपिका की वायु को बाहर मुक्त किया जाना। तो अभी जब हम श्वसन अंग देख रहे थे तो उसमें विभिन्न मार्गों से होते हुए, जिसमें नासिका, श्वसनी, अलग अलग मार्ग थे, उनसे कूपिकाओं तक यानी फेफड़ों तक जो है वायुमंडली वायु पहुंच रही थी और फिर कूपिकाओं में आदान प्रदान हो रहा था, और आदान प्रदान होने के बाद कूपिका की जो कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर वायु है वो बाहर निकल रही थी। तो ये जो प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। यह पहला स्टेप है। तो इस स्टेप से वायुमंडलीय हवा या वायु ये कूपिका तक पहुंचेगी। दूसरा चरण, कूपिका झिल्ली के आर पार गैसों का विसरण। कूपिका तक पहुंचने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन इनका विसरण होगा। तीसरा चरण, रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन। फिर रुधिर इनको लेकर के अलग अलग कोशिकाओं तक जाएगा और रुधिर तथा ऊतकों के बीच ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण। तो जब रुधिर कार्बन डाइऑक्साइड ऊतकों तक पहुंचेगा तो वहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में विसरण होगा, और इसके अंत में कोशिकीय श्वसन, जिसके अंतर्गत कोशिकाओं में मौजूद भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण होकर के इसके फल स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगी, जिसको बाहर निकाला जाएगा और ऊर्जा की प्राप्ति होगी। तो बच्चों, ये हमारे चरण हैं जिनको हम अगले भाग में देखेंगे। जो हमारा भाग दो है उनमें श्वसन, कूपिका झिल्ली या और इसमें किस प्रकार ये गैसों का विसरण हो रहा है, रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन, और साथ ही रुधिर तथा ऊतकों के बीच ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण और कोशिकीय श्वसन का भी एक आइडिया, ये हम अगले वीडियो यानी भाग दो में जल्द ही लेंगे। अब बच्चों, आइए मैं आपको कुछ ग्रह कार्य दे रहा हूँ, आप इन ग्रह कार्यों को देखिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप इन ग्रह कार्य को कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर तीन प्रश्न दे रहा हूँ, इन प्रश्नों को आप कीजिए, और अगर आपको इन प्रश्नों का उत्तर नहीं आ रहा है तो आप दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, और फिर जब हमारा भाग दो होगा तो भाग दो में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो इनको भाग दो में देखा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।